बिहार में 24 घंटे के अंदर 4 और लोगों की मौत हो गई। केंद्र की कोविड वेबसाइट के मुताबिक अब मरने वालों का आंकड़ा 201 पहुंच गया है। हालांकि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ट्विटर हैंडल पर मौत का आंकड़ा 177 है, यानी केंद्र और बिहार सरकार के आंकड़ों में 24 मौत का अंतर है। सवाल यह है कि दोनों के मरने वालों के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कोरोना के सही आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर सियासी संग्राम, आंकड़ों के हवाले से आरजेडी ने किया हमला, जेडीयू और बीजेपी का तेजस्वी पर पलटवार। बिहार में कोरोना बेकाबू हो गया है, ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं, और इन्हीं आंकड़ों के हवाले से विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कमान संभाली है तेजस्वी यादव ने। बिगड़े हालात के लिए सीधे सीधे सीएम को जिम्मेदार बताया, और जो हालात अभी हैं, जिस प्रकार से नेशनल आपका हॉटस्पॉट तो छोड़िए, अगर यही हालात रहे तो ग्लोबल हॉटस्पॉट हो जाएगा बिहार। चूंकि दागी को दिखाई पड़ने में मुश्किल होता है, चूंकि आप पर 420 का मुकदमा है, तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को दिखाई कम पड़ता है। आरोप सिर्फ लापरवाही का नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि कोरोना के आंकड़ों में छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल बिहार सरकार जो आंकड़े दिखा रही है, वो भारत सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहा। तो क्या आंकड़ों का भी खेल हो रहा है? और नीतीश जी की विफलता को देखते हुए ये केंद्र से टीम आ रही है, तो हमारी तो केंद्र से भी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों के लिए पीपीई किट से लेकर के आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के सारी चीजें जो है, टेस्टिंग किट्स जो है वो दे। पारदर्शिता के प्रश्न पर समझौता नहीं हुआ है, अगर उनके पास तथ्य है तो साबित करें, अन्यथा ऐसे बयानों के लिए बिहार की जनता से माफी मांगे। वैसे देखें तो बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। 8 जुलाई को जहां 13,274 मरीज थे, वहीं 10 दिन में ही ये लगभग दोगुने हो गए और आंकड़ा 24,000 के पार जा पहुंचा। हर रोज औसतन 1,077 नए मामले सामने आ रहे हैं। हमारे ऑनरेबल सीएम, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर और पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के व्यवस्था को दुरुस्त करने में और नए इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में लगा है। बिहार सेकेंड और थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया का, और सबसे कम टेस्टिंग अगर किसी बड़े राज्यों में हुआ है तो वो बिहार है। तो इस अवस्था में बिहार भगवान भरोसे है। ये तो साफ है कि कोरोना से बिहार के हालात बेकाबू हो गए हैं, और इन बेकाबू हालातों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार आएगी, लेकिन सरकार अभी भी अपनी वाहवाही में लगी।